करनाल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर पहले तो जाल बिछाया और फिर रंगे हाथ लिंग जांच कराने वाली महिला और उसके बेटे को 25,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। ये वही 25,000 रुपए हैं जिनके नंबर लिखकर विभाग की टीम ने एक महिला की मदद से आरोपियों को अपने जाल में फंसाया था। पकड़े जाने के बाद महिला शुरुआत में तो आरोपों को नकारती रही, लेकिन बाद में उसने सच्चाई स्वास्थ्य विभाग की टीम को बता दी और अपने बेटे को छोड़ने के लिए टीम से बार बार अपील करती रही। तस्वीरों में रोती दिखाई दे रही महिला दरअसल वही दलाल है जो लिंग जांच के लिए महिलाओं को डॉक्टर के पास ले जाती थी। मेरे तो यही आकर मिल कुछ लड़के कुछ डॉक्टर ने तो बुलाया तू मेरे द्वारा झुंडसन मार बुलाई बोला कुछ काम है आप हो गए आप हो गए डॉक्टर मैं उसने बुलाई हूँ मैडम ने बुलाया तो जो उसका इस लड़के ने छोड़ दो जी मेरे अंदर बैठो आप इस लड़के ने छोड़ दो आप पहले अंदर तो बैठो इधर इसी टेबल पे काउंट करो इसलिए तो जान दो जी तो मेरा लड़का मेरे पास ही आया जी ये तो आपके मना कसम से जी लेने आया यू तो लड़का है यू तो जी मेरा यू तो लड़का है जी मेरा मना लेने आया था यहाँ यू तो लड़का है जी मेरा मना लेने आया था यहाँ इसने तो छोड़ दो इन्हें तो छोड़ दो जी यू तो लड़का मेरा यू तो लेने आया था जी मना यहाँ स्टेशन पर मना बुला जी स्टेशन पर ले जो ले जा बेटे आकर मैंने बुलाया जी। दरअसल पुलिस को स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि करनाल के वार्ड नंबर 9 की शिव कॉलोनी में रहने वाली महिला सुनीता भ्रूण लिंग जांच करवाने का काम करती है जिसके लिए वो हसनपुर के एक झोला छाप डॉक्टर की मदद लेती है। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया जिन्होंने एक गर्भवती महिला से संपर्क कर उसे दलाल के पास भेजा। जांच कराने के लिए दलाल ने 25,000 रुपए मांगे थे। लिंग जांच हुई, बताया गया कि पेट में लड़की है, जिसके बाद पेमेंट कर दी गई। जैसे ही आरोपी महिला रेलवे स्टेशन पहुंची, उसी समय उस पैसों के साथ पकड़ लिया गया। कल सुबह का उसने टाइम डिसाइड किया 10:30 बजे का कि आप डिकॉय हमें दे दें और हम अल्ट्रासाउंड करा देंगे। तो हमें कल ये था कि शायद करनाल में ही होगा, लेकिन उसके बाद वो झिलमिल से होते हुए सीधा पिपली की तरफ निकल गए और वहाँ पे फिर जैसे ही हमने फॉलो किया तो वो कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ चुके थे। तो उसी वक्त हमने कुरुक्षेत्र टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया। वहाँ पे जाके वो किसी बगथला गांव में जो हमें रास्ता उनका वो फॉलोअप मिल रहा था, तो उसके बाद वो बगथला गांव में जाके फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और हमारा इंटरनेट कनेक्शन उनसे ख़त्म हो गया। तो हमने 1.5 घंटा वहाँ पे वेट की और उसके बाद 1.5 घंटे के बाद वो लोग एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन ऐसी आई कि वो वापस करनाल की तरफ जा रहे हैं। तो वापसी हम करनाल की तरफ वो हमने उनको रेलवे स्टेशन के पास विद डिकॉय और विद हमारे उनके पास पैसे थे सारे उनके साथ उनको पकड़ लिया। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपी डॉक्टर के पिता, दलाल महिला और उसके बेटे को पकड़ा है और इन तीनों के अलावा फरार डॉक्टर पर भी केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि आरोपी डॉक्टर की तलाश जारी है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।